हरियाणा में तीसरी बार मनोहर लाल जी की सरकार आ रही है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। हरियाणा के अंदर हरियाणा का युवा, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा के बच्चे, हरियाणा का वृद्ध, हरियाणा की आम जनता चाहती है मुझे एक ऐसी सरकार मिले जो सरकार ईमानदारी से मेरे अधिकार मेरे घर तक पहुंचाए, और मेरे अधिकार मेरे घर तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। हमने तो घर तक उनके अधिकार पहुंचाए, लेकिन देखिए हमें चुनौती दी जा रही है। हमें तो क्या प्रदेश की जनता को बोला जा रहा है, हम आए तो आपके सारे अधिकार वापस खींच लेंगे। प्रदेश की जनता को कहा जा रहा है, धमकाया जा रहा है प्रदेश के युवा को। वो युवा जो अपने हाथ में मोबाइल लेकर के चलता है, वो युवा जो हर अधिकार अपने मोबाइल पे चाहता है, जो ऑनलाइन पेमेंट चाहता है, आजकल तो शॉपिंग भी ऑनलाइन करता है, हर चीज़ ऑनलाइन चाहता है, वो युवा कह रहा है कि मुझे और बेहतर व्यवस्था चाहिए ऑनलाइन। लेकिन दूसरी तरफ हमसे पहले की जो सरकार में रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो सार्वजनिक मंच पे कह रहे हैं कि मैं पोर्टल ही बंद कर दूंगा, मैं ऑनलाइन व्यवस्था ही खत्म कर दूंगा। अरे भाई हुड्डा साहब, आप सोचिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप हरियाणा प्रदेश का जो भविष्य है, जो युवा है, उसको ये कहना चाहते हैं कि मैं 1970 में ले जाऊंगा हरियाणा को? आपको बिजली के दफ्तर में जाकर के बिजली का बिल देने के लिए लाइनें लगानी पड़ेंगी, कतारें लगानी पड़ेंगी। वहाँ हुड्डा साहब के चहेते कुछ दो चार लोग उस लाइन के बीच में खड़े होंगे, जो लोगों से कहेंगे आपका बिल जमा करवा देते हैं, आइए कुछ पैसा कमीशन हमारे को दे दीजिए, कुछ रिश्वत दे दीजिए। वहाँ बिजली पानी का बिल जमा कराने के लिए जो हमने ऑनलाइन व्यवस्था कायम की है, क्या वो ऑनलाइन व्यवस्था बंद करके बोलेंगे कि मेरे बीच में जो एजेंट खड़े होंगे उनको पहले रिश्वत देंगे उसके बाद पानी का बिल जमा होगा? अरे भाई, अब तो हम एम्स जैसे अस्पताल के अंदर जहाँ पर्ची बनानी पड़ती थी, वहाँ पे भी कहते हैं कि कोई दूर दराज से आने वाला व्यक्ति है तो उसको पोर्टल पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, उसको डेट मिलती है, वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था कायम कर दी है। प्रदेश के अंदर हमने कहा कि एक बार परिवार पहचान पत्र बना लीजिए, एक बार, एक चुनौती, एक बार आपने परिवार पहचान पत्र बना लिया तो दोबारा आपको किसी सरकारी दफ्तर का मुँह देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी योजनाएं आपको एक ही डेस्क के ऊपर मिलेंगी, सारा आपके पास लॉगिन पासवर्ड होगा, किस योजना के आप पात्र हैं, केवल आपको वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और वो योजना आपके घर तक, आपके दरवाजे तक पहुंच के आएगी। हुड्डा साहब कह रहे मैं बंद कर दूंगा, बताइए मैं क्यों बंद कर दूंगा भाई? आप कौन होते हैं इस प्रदेश को पीछे धकेलने वाले? आप कौन होते हैं इस प्रदेश के अंदर वैसी बदहाली लेकर के आने वाले जैसी बदहाली इस प्रदेश की जनता ने देखी थी? पहली बार मनोहर लाल जी ने अगर व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया है और 1200 करोड़ रुपया इस प्रदेश की जनता का टैक्स का बचाया है, जो प्रदेश के विकास में आगे बढ़ रहा है, लगाया जा रहा है, तो आप क्यों कह रहे हैं बार बार? हुड्डा साहब जवाब तो दिए हैं इस बात का, कैसा हरियाणा सोच के बैठे हैं आप? आपकी आपने आपके दिमाग में कोई पिक्चर तो होगी हरियाणा की, क्या वैसा ही हरियाणा चाहते हैं जैसा हरियाणा पहले हुआ करता था? अरे घबरा जाएगा इस प्रदेश का बच्चा, उसने तो अब जिसने 10 साल पहले होश संभाला है उसे तो एक ऐसा हरियाणा देखने को मिला, अगर उसको पिछली याद दिलवा दें हरियाणा कैसा हुआ करता तो हो सकता है उसके रोंगटे खड़े हो जाए बेचारे के। वो तो घबरा जाएगा कि ऐसा हरियाणा देंगे मुझे हुड्डा साहब, ऐसे हरियाणा की कल्पना कर रहे हैं? और क्या किसके लिए कर रहे हैं बताइए? यहाँ से पहले अगर हुड्डा साहब कहते हैं तो हम तो कहते हैं 4 महीने की चुनौती ले लीजिए, हुड्डा साहब अपने घर से शुरू करें, सारी ऑनलाइन व्यवस्थाएँ बंद कर दें, कहें कि मैं आज से मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा, दूसरा फ़ोन यूज़ करूँगा, कहें कि मैं बिजली का बिल खुद जमा करवाने जाऊँगा, कहें कि मैं पानी का बिल खुद जमा करवाने जाऊँगा, कहें कि मैं हवाई जहाज़ की टिकट ऑनलाइन बुक नहीं करवाऊँगा, मैं रेलवे की टिकट ऑनलाइन बुक नहीं करवाऊँगा, प्रण लेता हूँ। ऐसा ले ना हुड्डा साहब प्रण, पहले घर से तो शुरुआत करिए। अब गरीब व्यक्ति, एक बुजुर्ग महिला, एक विधवा, एक जो फिजिकली चैलेंज है, अगर वो अपने सुविधाओं को अपने मोबाइल पे पा रहा है तो हुड्डा साहब आप क्यों बीच में अपने एजेंट घुसाना चाहते हैं कमीशन खोरी के लिए? भाई हम ये प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सम्मानजनक रूप से विपक्ष में बैठे हैं, बैठे रहिए, ऐसे हालात ना हो जाएं कि आप विपक्ष के लायक भी ना रह जाए।
क्योंकि युवा जागरूक है, युवा समझता है और युवा जवाब देना भी जानता है। अब तो प्रदेश का युवा पूछेगा, हुड्डा साहब ये स्टेटमेंट दे के मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने सारे अधिकारों से वंचित हो जाऊं, बदहाली का दौर दोबारा से आ जाए, प्रदेश पीछे धकेल दिया जाए। अगर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं तो निर्णय ना आपने लेना, ना हमने लेना, ना हुड्डा साहब ने। निर्णय लेने वाली होगी प्रदेश की जनता, निर्णय लेने वाली होगी प्रदेश की महिला, निर्णय लेने वाले होंगे प्रदेश के युवा। और जब ये सब लोग अपना निर्णय लेंगे तो आप देखिएगा हरियाणा के अंदर पहली बार, तीसरी दफ़ा भी अगर कोई सरकार बनेगी तो मनोहर लाल जी की सरकार बनेगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो रही है, मनोहर लाल जी की सरकार मजबूती से और मेजोरिटी के साथ आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो विपक्षी दल भी जानते हैं। अगर वो ये जानते ना होते तो इतनी बड़ी बात ना कहते, इतनी बड़ी बौखलाहट ना आती जिस बौखलाहट में ये कहना पड़ता कि मैं पोर्टल बंद कर दूंगा। तो हमारा तो प्रश्न उनसे है कि जवाब दीजिए, ये प्रदेश का युवा पूछ रहा है कि ऐसे छोटे कमेंट या ऐसी सोच रख के आप हरियाणा को क्या बनाना चाहते। जेटली जी, सीएम साहब का जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है, वहीं बात की जाए तो 23 में ही 24 की तैयारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। INLD की कल कैथल में रैली हुई, JJP अब राजस्थान में भी कहीं ना कहीं जमीन तलाश रही है, क्या लगता है कि चुनावी गेर में 2023 आ गया? देखिए चुनावी मोड तो इस देश में चलता ही रहता है, आपको पता है हर तीसरे चौथे महीने या हर साल के बाद एक ना एक चुनाव किसी न किसी प्रदेश में आता है। इसीलिए आपने देखा है कमेटी भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में बनाई गई, जिसमें इस पे विचार किया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसमें अभी पीछे दो दिन पहले हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी उस मीटिंग को अटेंड किया था। तो देश के प्रधानमंत्री की तो सोच है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इससे संसाधनों में संसाधनों को बचाया जा सकता है, पैसे को बचाया जा सकता है, समय को बचाया जा सकता है, हर तरीके से देश के फायदे में। तो ये चुनावी प्रक्रिया में ना रहें, हम काम को अंजाम दें, काम के एग्जीक्यूशन में अपना वक्त लगाएं। तो इस सोच के साथ चलना हमारी सोच है, देश के प्रधानमंत्री की सोच है। लेकिन नो डाउट, क्योंकि अभी चुनाव भी चल रहे हैं तो हर राजनीतिक पार्टी चुनावी मोड में भी है, चाहती भी है कि भाई हम तैयारी करें। तो सबके पास अधिकार है, वो चाहे JJP हो चाहे वो INLD हो, वो अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। JJP ने खुद राजस्थान में मूव किया, तो ये उनके प्रेरोगेटिव्स हैं, उस विशेषाधिकार के चलते वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। इंडिया गठबंधन को किस तरह देखते हैं? दूसरी बात, हरियाणा में इंडिया गठबंधन का क्या विकल्प देखते हैं? आप गलत बोल रहे हैं, इंडिया नहीं है, INDI अलायंस है। ये INDI अलायंस है, इंडिया की फुल फॉर्म अलग है, INDI अलायंस की फुल फॉर्म अलग है, दोनों की फुल फॉर्म ही अलग है। और इस फुल फॉर्म के अंदर पहले तो अभी खुद ही उनको निर्धारित है, कहीं आम आदमी पार्टी कहती है हम कांग्रेस INDIA अलायंस में हैं, कभी कांग्रेस कहती है हम उनके साथ हैं, दोनों जगह रिफ्ट हो जाता है। इधर कम्युनिस्ट कहते हैं जी हम इसी अलायंस के अंदर हैं, बंगाल में कम्युनिस्ट जाकर के कहते हैं कि हम इनके खिलाफ खड़े हैं। यहाँ पे दीदी ममता बनर्जी कहती हैं कि हम गठबंधन में हैं, बंगाल में कहती हैं कि इन लोगों की वजह से मेरा बंगाल बर्बाद हो रहा है। तो अभी इनका तो यही नहीं पता कि इसमें खिचड़ी में डल क्या कह रहा है। तो कई बार तो ऐसे लगता है कि ये बनने क्या वाला है हमें भी समझ नहीं आ रहा। ये बनाने तो खिचड़ी चलते हैं, फिर चीनी डाल देते हैं, कभी उसमें कोई आके गुड़ डाल देता है, कोई उसमें आके फिर लाल मिर्च डाल देता है। तो अब थोड़े दिन और देखिएगा उसके बाद किस तरीके का रूप लेता है, कैसा स्वरूप होगा इसका, उसके बाद इसके ऊपर टिप्पणी करना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन देश की जनता बहुत मेच्योर है, बहुत समझदार है, उन्हें मालूम है कि ये पारिवारिक पार्टियाँ हैं, अपना अस्तित्व खोती चली जा रही हैं। क्योंकि अपना अस्तित्व खोती चली जा रही है तो कुछ ना कुछ लगी रहती है अपने अस्तित्व को बचाने की। INLD की कल कैथल रैली में बड़े बड़े जो नेता है उन्होंने शिरकत की है, परेशान अब्दुल्ला हों, KC त्यागी हों, चौधरी वीरेंद्र सिंह हों, क्या लग रहा है कि माहौल INLD के पक्ष में हो सकता है या BJP आगे?
हाँ भाई आप कंपैरिजन तो ठीक करिए हमारे साथ। देखिए आईएनएलडी मैं देखिए आईएनएलडी के मंच पे आज नहीं शुरू से ही सभी वरिष्ठ नेता ताऊ देवीलाल जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आते थे, और कई तो आपने देखा भी कि आज ही रैली हुई, पिछली बार भी आपने देखा जींद में हुई, और मात्र 5 दिन के बाद देखेंगे वही नेता जो हैं वो दूसरे गठबंधन में होते थे उनके साथ नहीं होते, तो वो बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट है। वो लोग एक स्वेच्छा से जाते हैं वहाँ पर, स्वेच्छा से कोई भी जा सकता है श्रद्धांजलि देने के लिए। अगर तो अब देवीलाल जी को श्रद्धांजलि देने के रूप में ना देखा जाए इस रैली को, तो मुझे लगता है फिर नेता का कोई जाने का औचित्य नहीं बनता, कोई जाएगा भी नहीं वहाँ। ये रैली को अलग रूप दिया जाता है इसलिए लोग चले जाते हैं।